डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ हैलोजन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक हैलोजन है, हाउ कैन वी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनो हैलोजन। और इन ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स की क्या एग्जाम्पल है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, CF2Cl2 है, DDT है, आयोडोमीथेन है, ब्रोमोबेंजीन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इन कंपाउंड्स में से, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जब भी हमें डिटेक्ट करना होगा किसी भी हैलोजन को, तो वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ लेसाइंस एक्स्ट्रा। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लेसाइंस एक्सट्रैक्ट, जिसको कि हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, जो हमारे हैलोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अगर हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कौन सा हैलोजन है? क्लोरीन। इस वाले ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड है? इसमें भी क्लोरीन फ्लोरिन बोथ है। इसी तरह से इसमें आयोडीन है। तो ये हैलोजन क्या करते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं सोडियम के साथ। जब लेसाइंस एक्सट्रैक्ट बन जाता है, इस लेसाइंस एक्सट्रैक्ट में हमारे जो ये हैलोजन्स है, दे फ्यूज विद सोडियम। और उसके बाद क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्लोरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ब्रोमीन, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, राइट? ये बन जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास अगर हमारे पास आयोडीन है, अगेन इट विल फॉर्म सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये यहाँ पे आयोडीन बन जाएगा। ठीक है जी, गर्ज अगर हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा हैलोजन है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एक्स से, इफी से, NaX, चाहे ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वी रिप्रेजेंट इट बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा, जो कंपाउंड बन जाएगा, दैट विल बी NaX। फाइन, तो लेट अस स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। तो लेसाइंस एक्सट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोडियम लेंगे, वी विल हीट इट। हमें क्या मिलेगा, ये सोडियम एक मोल्टन ग्लोब्यूल, एक शाइन ग्लोब्यूल बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसके साथ हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है जो कि फ्यूज करेगा इस सोडियम के साथ। सो व्हाट विल डू, इसमें हम ऐड करेंगे हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वी विल अगेन फ्यूज इट। ठीक है, इसको हम पहले जेंटली हीट करेंगे, फिर स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, इट विल बिकम रेड हॉट। सो हमारे इस रेड हॉट इसमें कंपाउंड में क्या है, हैलोजन फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूज्ड विद सोडियम। तो व्हाट विल गेट, इस फ्यूजन ट्यूब को हम इमर्स करेंगे एक चाइना डिश में, जिसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया हुआ है। हम इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद वी विल हीट इट, और फिर फिल्टर करके इसको एक और चाइना डिश में कलेक्ट करेंगे। और ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, इसी एक्सट्रैक्ट को क्या कहते हैं, वी कॉल इट लेसाइंस एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सो इस लेसाइंस और सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, इसमें सोडियम विल फ्यूज विद हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सोडियम, और जो कि हमने पहले स्टेप में देखा था, सोडियम विल फ्यूज विद द हैलोजन फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर क्लोरीन है, क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगर ब्रोमीन है, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर आयोडीन है, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। इसके बाद हमारा जो पहला टेस्ट है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हमारे पास ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि हमने बनाया हुआ है अभी। और इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, यानी कि पहला टेस्ट फॉर द डिटेक्शन
ऑफ हेलोजन्स है कि हम इस जो कि हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसाइंस एक्सट्रैक्ट बनाया है, वी विल एड सिल्वर नाइट्रेट टू दैट टेस्ट। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर इसमें क्लोरीन है तो इट विल बी सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो है विल फ्यूज विद सिल्वर नाइट्रेट, तो ये बनाएगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड कैसा दिखेगा हमें, हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा। यानी अपॉन एडिशन ऑफ दिस सिल्वर नाइट्रेट इफ वी गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिल्वर क्लोराइड। सिमिलरली अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, इसमें ब्रोमीन है, तो लेसाइंस एक्सट्रैक्ट में क्या बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, व्हाट विल गेट, विल गेट सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर ब्रोमाइड कैसा है, पेल येलो। अगेन अगर हमारे पास आयोडीन है, ठीक है, इसमें आयोडीन है हमारे सोडियम एक्सट्रैक्ट में, जब हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, वी विल गेट सिल्वर आयोडाइड, तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट होगा दैट विल बी येलो कलर। ये भी येलो कलर है, ये भी येलो कलर है, शेड में हल्का सा फर्क है। तो इन दोनों के शेड में अगर बहुत फर्क नहीं, इफ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, व्हाट वी विल डू, हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे बेस्ड अपॉन द सॉलिबिलिटी। हम इस पेल येलो प्रेसिपिटेट को और इस येलो प्रेसिपिटेट को वी विल ट्राई एंड डिसॉल्व इट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये डिसॉल्व होता है, अगर ये सॉल्युबल है, तो हम कह सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, और अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो ये सिल्वर आयोडाइड। सो अगेन आवर फर्स्ट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलोजन्स इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। हमने जो लेसाइंस एक्सट्रैक्ट बनाया, इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, अगर इसमें क्लोरीन है, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमने ऐड किया था जब हमने लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाया था, वील गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रेडिक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अगर हमारे पास ब्रोमीन है, वी विल गेट अ पेल येलो प्रेसिपिटेट, अगर आयोडीन है, वी विल गेट अ येलो प्रेसिपिटेट। इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश करेंगे बाय डिसॉल्विंग देम इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर सॉल्युबल है, सिल्वर ब्रोमाइड है, एंड इफ इट इज इनसॉल्युबल, तो ये सिल्वर आयोडाइड। फाइन। अगर कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि अदर देन दिस हैलोजन, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर भी है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उस टाइम क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन भी है, तो वी नो कि रसायन एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन सोडियम के साथ फ्यूज करता है, और उस वक्त कार्बन भी इसके साथ रिएक्ट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो भी इसके साथ रिएक्ट करता है, एंड वी गेट सोडियम साइनाइड। ठीक है, तो बिसाइड्स आवर दिस सोडियम क्लोराइड जो कि हैलोजन्स के टाइम में हमें मिलेगा, इफ यू हैव गॉट आल्सो नाइट्रोजन इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो बिसाइड सोडियम क्लोराइड हमें सोडियम साइनाइड भी मिल जाएगा। और ये जो सोडियम साइनाइड हमारा है, जब हम ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्राइड, जो कि हमने पिछले स्टेप में सिल्वर नाइट्राइड ऐड किया है, तो वी विल गेट दिस, ये तो मिल ही जाएगा सोडियम नाइट्राइड, इसके अलावा हमें मिल जाएगा सिल्वर साइनाइड। और मजे की बात ये कि ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो अगर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो वी कांट बी श्योर वेदर दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन या बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन्स। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या ये सच में हैलोजन है, या कहीं नाइट्रोजन की वजह से हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट तो नहीं मिला। इसी तरह से अगर ये सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें सल्फर भी है, तो व्हाट विल हैपन, इसमें हमें मिल जाएगा सोडियम सल्फाइड, और सोडियम सल्फाइड सिल्वर नाइट्रोजन के साथ मिल करके ये हमें सिल्वर सल्फाइड देगा, जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट। दिस इज अ प्रॉब्लम। हमारा एम जो है, वी वॉन्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन्स, और हम नहीं चाहते नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, या कोई ऐसा एलिमेंट हो इसके साथ इंटरफेयर करें। इस इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ये लेसाइंस एक्सट्रैक्ट है, सिल्वर नाइट्रेट डालने से पहले हम इसमें नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। व्हाट इज आवर एम, हमारा एम है कि हम
सल्फर और नाइट्रोजन की इंटरफेरेंस को खत्म करें। तो हम क्या करेंगे, बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड करेंगे नाइट्रिक एसिड। उससे क्या होगा, ठीक है, जब हम नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो अगर इसमें नाइट्रोजन है भी, जो सोडियम साइनाइड बन जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ और इसमें सोडियम नाइट्रेट जो कि हमें इन केस ऑफ हैलोजन में मिलता है, और इसके अलावा HCN मिल जाएगा। एंड व्हाट इज दिस HCN, इज अ गैस, और ये हमारी गैस एस्केप कर जाएगी, वी विल बी लेफ्ट विद सोडियम नाइट्रेट ओनली, और जो इंटरफेरेंस ड्यू टू दिस नाइट्रोजन इट विल बी रिमूव्ड। ठीक, चलिए सल्फर के टाइम में हम क्या करेंगे, अगेन जब हम ये सिल्वर नाइट्रेट जिस नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो इट विल रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड कहाँ से आया, सोडियम सल्फाइड रसायन एक्सट्रैक्ट में तब बनेगा जब सल्फर भी मौजूद होगा इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो सल्फर की इंटरफेरेंस खत्म करने के लिए जब हम नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा विद दिस सोडियम सल्फाइड, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा सोडियम नाइट्रेट एंड दिस क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, दिस इज अ गैस, और गैस जो हमारा है ये गैस एस्केप करेगा एंड इसकी इंटरफेरेंस रिमूव हो जाएगी। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है फॉर द दिस डिटेक्शन ऑफ दिस हैलोजन्स, इट इज बेलस्टीन टेस्ट, जिसको कि हम कॉपर वायर टेस्ट भी कहते हैं। इन दिस टेस्ट व्हाट वी डू, वी टेक अ कॉपर वायर एंड फ्लैटन इट एट वन एंड, ले लिया इसको फ्लैट कर लिया एक एंड पे, उसके बाद हम इस कॉपर वायर को क्या करेंगे, वी विल हीट इट इन अ बंसन फ्लेम। लेकिन हीट कहाँ पे करेंगे, हीट हम करेंगे इन द आउटर मोस्ट रीजन, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फ्लेम है, राइट, तो व्हाट विल डू, इसमें हम जो ये वाला है आउटर मोस्ट, ये वो रीजन होता है जहां पे कंप्लीट ऑक्सीडाइज, जहां पे कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है, तो हम इसी आउटर मोस्ट रीजन में इसको हीट करेंगे। हीट कब तक करेंगे, हीट तब तक करेंगे टिल इट टर्न्स ब्लू, राइट। उसके बाद ये जो हमारा कॉपर वायर है जिसको हमने हीट करके ब्लू टर्न किया है, वी विल डिप इट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें डिटेक्ट करना है कि इस हैलोजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, हम उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको डिप करेंगे और अगेन इसको इस बंसन फ्लेम पे हीट करेंगे, राइट। तो अगर इस फ्लेम का कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें हैलोजन प्रेजेंट है, राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ ब्लूइश ग्रीन फ्लेम infers to the presence of these halogens in the organic compound. मगर इसमें मसले हैं। तो मसले क्या है? पहला मसला हमारा ये है कि हम differentiate नहीं कर सकते ये कौन सा halogen है। आपके पास कोई सा भी halogen हो, bromine, iodine, chlorine, whatever it is, आपका जो flame है that will be bluish green. So there isn't any way, कोई तरीका नहीं है जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये जी फला हैलोजन है या ये कोई और हैलोजन है, तो इसमें आप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हैलोजन्स। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके कंपाउंड में यूरिया या थाई यूरिया है, राइट, दैट इज नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड आपके इसमें है, इस कंपाउंड में जिसमें आपने इस कॉपर वायर को डिप किया, आपका फ्लेम फिर भी ब्लू ग्रीन रहेगा। मीनिंग देयर बाय कि ये जो आपका बेलस्टीन टेस्ट है इसमें नहीं आप हैलोजन्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये ब्लूइश फ्लेम इट इज बिकॉज ऑफ हैलोजन्स या इट इज बिकॉज ऑफ यूरिया एंड थाई यूरिया। सो दिस इज नॉट, वी कैन नॉट जस्ट से दिस इज अ क्लियर कट टेस्ट, इज अ सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूस, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ दीज हैलोजन्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होप इट इज क्लियर। अगर आपको मेरे वीडियोस फ्रूटफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।